A shell explodes while at rest. Discuss the momentum and energy conservation in the explosion. शेल बम जो होता है रखे रखे फूट गया, रखे रखे फूट गया तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, तो इसके जितने भी टुकड़े होंगे उन सबका नेट मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। सपोज दो टुकड़े होते हैं, तो अगर दो टुकड़े होते हैं, सपोज टू पीसेज हम की बात करें, तो एक पीस अगर लेफ्ट गया तो दूसरा पीस छोटा भले ही हो राइट जाना चाहिए, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी m1 v1 ले लो, m1 v1 और m2 v2, इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है मास बराबर हो, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि ये लेफ्ट गया ये राइट गया, लेफ्ट वाला नेगेटिव ले लो राइट वाला पॉजिटिव ले लो, दोनों बराबर होने चाहिए। जब दोनों बराबर होंगे p1 = -p2 वेक्टोरियल लिख रहा हूँ, तब ये हो पाएगा कि ये फाइनल मोमेंटम भी देख लो p1 + p2 जीरो के समान हो पाएगा। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया हमारा, कि फाइनली भी टुकड़े ऐसे होंगे कि दोनों का नेट मोमेंटम मिला के जीरो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक टुकड़ा चला जाए एक ऐसे चला जाए, किसी और डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता, 180 डिग्री अपार्ट होना ही पड़ेगा उसे। ना अगर तीन टुकड़े होते फिर आप 50 कर लो, उसकी मतलब नहीं है, आपको आइडिया देता हूं मैं। अगर तीन टुकड़े होते तो कैसे होंगे, मान लीजिए एक टुकड़ा ऊपर चला गया ऐसे, तो अगर दो ही होते तो दूसरा नीचे जाता, लेकिन तीन हुआ है ना, तो अब बाकी दो जो होंगे वो इस तरीके से जाएंगे कि इनका नेट वेक्टर सम मोमेंटम का बिल्कुल इसके अपोजिट इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर ये P1 है और ये P2 है और ये P3 है, ठीक है ना, तो P1 शुड बी इक्वल टू माइनस का P2 + P3। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, और आप देखो तीनों ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्चुअल चीज़ें समझिए, इसको डिस्कस कर लिया। अब आती है एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, इस बम के अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन के कारण भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी बोल लो, खैर इंटरनल एनर्जी की एक्सपेंस पर ही काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स को फूटने पर मिली है, तो एनर्जी क्रिएट कहीं से नहीं हुई, इस शेल के अंदर इंटरनल एनर्जी रही होगी जो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 या 3 या 4 50 जितने भी हैं ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द शेल। तो इस तरीके से वी हैव डिस्कस्ड।